जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 10 दिन में कैसे आप 10 किलो तक वज़न कम कर सकते हैं बहुत ही आसानी से घर में और घर के ही चीज़ों से और घरेलू कुछ तरीकों से। आप इजीली इस डाइट प्लान को फॉलो करके 10 दिन में 10 किलो तक घटा सकते हैं। फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम गर्ल। तो दोस्तों, मैं 10 दिन का एक डाइट आपको शेयर करूंगी। 10 दिन का ये जो डाइट है ये वेजिटेरियन डाइट है, यानी पूरी तरह से एकदम वेज डाइट होगा ये। और इस वेज डाइट को आपको 10 दिन फॉलो करना है। साथ ही मैं एक या दो एक्सरसाइज आपको दूंगी जो घर पर आप इजीली आराम से कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। लेकिन इसे खाना खाने के कम 2 से 3 घंटे बाद आपको ये वाला एक्सरसाइज करना है, लेकिन आप किसी भी टाइम कर सकते हो। आज का जो मैं डाइट आपको शेयर कर रही हूँ ये फुल बॉडी का वेट लॉस करेगा आपका, साथ ही साथ आपका बेली फैट भी कम करेगा। काफ़ी न्यू मदर्स होती है, प्रेगनेंसी के बाद वेट बढ़ जाता है, बेली फैट बढ़ जाता है, या काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको PCOD PCOS थायराइड की प्रॉब्लम होती है जिनका वेट बढ़ जाता है, इस कारण होता है वेट बढ़ जाता है। तो आज का जो डाइट है इसे अगर आप फॉलो करते हैं, ये हर किसी के लिए है, ये वाला डाइट बहुत अच्छा है। जो न्यू मदर्स हैं, जिनको अभी अभी जिन्होंने अपनी प्रेगनेंसी कंप्लीट की है, जिनको अभी अभी बेबी हुआ है, वो लोग इसे फॉलो कर सकते हैं। हर उम्र का, जैसे कि अभी मैंने 2 दिन पहले एक कमेंट में मुझे लिखा, एक कमेंट किसी ने किया था कि मेरी 10 या 11 साल की बेटी है, उसका काफ़ी वेट बढ़ गया है, काफ़ी हेल्दी हो गई है, उसके वेट उम्र के हिसाब से उसका वेट काफ़ी बढ़ गया है, तो क्या फॉलो करें। तो जो बच्चे हैं 8-10 साल से लेकर 80 साल तक, हर कोई आज के इस डाइट को फॉलो कर सकता है, अपना वेट कम कर सकता है। अगर बहुत ज़्यादा आपको वेट है, आपको बहुत ज़्यादा बेली फैट है, आप कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूँ, आप काफ़ी लोगों में एक प्रॉब्लम है कि मेरा फुल वेट तो ठीक है लेकिन बेली फैट का ज़्यादा है, इसके लिए क्या करूँ। देखिए, अगर आपका फुल बॉडी का वेट सही है, आप दुबले पतले छरहरे से हैं, लेकिन आपका बेली ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में आपको सिर्फ एक्सरसाइज, सिर्फ पर्टिकुलरली बेली फैट का एक्सरसाइज ही आपके बेली फैट को कम कर सकता है। और जो डाइट है, डाइट आपके फुल बॉडी के फैट को कम करने में, आपका बहुत ज़्यादा वजन है आपके हाथों में, आपके ब्रेस्ट में या आपके पेट में, हर जगह आपकी काफ़ी चर्बी जमी हुई है, उसको कम करता है डाइट। तो जिनको 80-90 किलो का वेट है, उन्हें सबसे पहले डाइट करके अपने वेट को सही जगह पे लाना होगा। और उसके बाद अगर पर्टिकुलरली आपके किसी जगह पे फैट है, जैसे बेली में ज़्यादा है, फुल बॉडी सही है, बेली में बेली बल्की सा है, फूला हुआ सा है, लटका हुआ सा है, तो उस जगह आपको पर्टिकुलरली बेली वाला एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो इसे तो मैं बहुत शेयर करती रहती हूँ, आप फॉलो करो, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मैं अपना वेट या अपना फिगर भी जिस तरह से मेंटेन करती हूँ, मैं वही यहाँ पर इन वीडियोस में शेयर करती हूँ, मेरे खुद के एक्सपीरियंस ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जो डिटॉक्स वाटर या जो ड्रिंक्स मैं शेयर करती हूँ, जो पानी जिसे पीने से वेट कम होता है, इन्हें भी फॉलो करें। आप इन्हें पीकर देखें, 10 दिन 7 दिन आप देखें, आपकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बहुत आसान 2 एक्सरसाइज, आपको इजीली आपको करना, हर कोई कर सकता है, हर उम्र का, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हर कोई इस एक्सरसाइज को कर सकता है घर पे। देखिए, सबसे इजी एक्सरसाइज जो होता है वो होता है वॉकिंग, टहलने जाना। कम से कम 30 मिनट, 25 से 30 मिनट आप टहल लीजिए, ये सबसे अच्छा और सबसे आसान एक्सरसाइज होता है फुल बॉडी के वेट को कम करने के लिए। लेकिन हर किसी के पास टाइम नहीं होता इतना कि वॉकिंग करने जाए, बाहर निकले, इतना वक्त नहीं होता। तो घर पर आज मैं जो एक्सरसाइज बता रही हूँ, इसे आप इजीली थोड़ी देर के लिए कीजिए, 5 मिनट कीजिए। 5 मिनट निकालना बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपके मेटाबॉलिक रेट को स्पीड अप करेगा, बढ़ा देगा, आपकी बॉडी में एनर्जी को, फैट जमा होने नहीं देगा, एनर्जी में कन्वर्ट करेगा आपके फैट को। सिर्फ इसके लिए आपको 5 मिनट देना पड़ेगा। तो चलिए एक्सरसाइज पहले बताती हूँ, फिर मैं आपको एक वेजिटेरियन डाइट शेयर करूंगी 10 दिन का, जरूर उसे फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप वॉकिंग करने जा सकते हैं, टहलने जा सकते हैं, तो रोज़ाना 40 मिनट किसी भी टाइम, सुबह शाम कभी भी आप टहल सकते हैं। इससे आपके वज़न को कम होने में, आपकी बॉडी से फैट निकलने में मदद होगी। और अगर आप नहीं टहलने जा सकते हैं तो घर पर ही स्पॉट जॉगिंग या स्पॉट वॉकिंग करें। इसी तरह से आप कितनी देर कर सकते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप
5 मिनट कर सकते हैं, आपके पास समय है तो सिर्फ 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट के लिए कीजिए। और अगर ज़्यादा, जितना ज़्यादा, अगर 10-15 मिनट कर सकते हैं तो और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस तरह से स्पॉट जॉगिंग आप करें, पैरों के साथ साथ हाथों को भी आगे पीछे करें, तो इससे फुल बॉडी का फैट आपका कम होने में मदद होगी। और दूसरा एक्सरसाइज है, इसमें हाथों को आगे की तरफ करें, एक साथ हाथों को जोड़ लें और पैरों से हाथों को टच करें इस तरह से, तो इससे भी आपके फुल बॉडी का फैट कम होने में, आपका बेली फैट कम होने में मदद होगी। बहुत तेज़ी से आप देखोगे कि आपका फैट कम होना शुरू हो गया है, आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये दो एक्सरसाइज आप किसी भी टाइम करें। एक्सरसाइज देख लिया कितना आसान है, बस इसके बाद आपको करना है डाइट। चलिए आप देखते हैं सुबह से रात तक का कौन सा डाइट फॉलो करना। तो दोस्तों आपको सुबह सुबह सबसे पहले क्या करना है, एक चम्मच जीरा लेना है। जीरे को अच्छे से आप पानी में उबालिए, एक ग्लास पानी में उबालने के बाद थोड़ी देर आप इसे छान कर जीरा पानी पीजिए। जीरा पानी सबसे अच्छा होता है वेट लॉस करने में, बहुत मदद करता है। तो सुबह सबसे पहले खाली पेट आपको पीना है जीरा पानी। इसके बाद नाश्ते में आप ले सकते हैं ओट्स सब्जियां डालकर। यहाँ पे मैंने सब्जियां डालकर ओट्स बनाई हैं। ओट्स ले सकते हैं, सूजी का उपमा ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं दलिया, लेकिन इसमें काफ़ी सारी सब्जियाँ डालकर आप इसे खा सकते हैं एक प्लेट। इसके बाद 1 से 2 घंटे बाद आप कोई भी एक फ्रूट्स ले सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं, और बीच बीच में पानी ज़रूर रहें। बीच बीच में पूरे दिन में आपको 6 से 8 ग्लास पानी आपको पीते रहना है। इसके बाद लंच की बारी आती है। लंच में एक बड़ी कटोरी आप दाल बना लीजिए, लौकी की दाल, लौकी और मूंग की दाल बनाइए, एक बड़ी कटोरी लीजिए। छोटी कटोरी थोड़ी सी आप चावल लीजिए, और आप सलाद, अपनी पसंद का कोई भी सलाद आप बनाकर यहाँ पर ले सकते हैं। ये आपका हो गया लंच, और लौकी ज़रूर खाएं। इसके बाद शाम को आप ले सकते हैं ग्रीन टी। ग्रीन टी वज़न कम करने में मदद करता है। अगर ग्रीन टी नहीं ले सकते तो तेज पत्ते की चाय बनाकर आप पी सकते हैं, ये भी वज़न कम करेगा। और साथ में आप ले सकते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स भी आपको न्यूट्रिशन देंगे और साथ ही साथ आपका वेट कम करने में मदद करेंगे। या फिर ग्रीन टी के साथ आप मखाने भी ले सकते हैं एक छोटी कटोरी। आप चाहें तो ब्लैक टी भी ले सकते हैं बिना शुगर या बिना मिल्क के। इसके बाद डिनर, कोशिश करें रात में 8 से 9 बजे के बीच डिनर कर लेने की। डिनर में आपको लेनी है दाल, सब्जियां डालकर, जैसे पालक, लौकी या कोई भी पसंद की सब्जी आप बनाकर, आप अरहर की दाल या कोई भी पसंद की दाल आप बस एक कटोरी आप लेंगे। और सोने से पहले आपको लेना है दालचीनी का, दालचीनी की चाय। जी हाँ, दालचीनी की चाय सोने से पहले अगर आप पीते हैं तो पूरी रात ये आपके वज़न को कम करने में मदद करेगी। आप चाहे तो हल्दी और दालचीनी की चाय भी ले सकते हैं, या दूध में आप हल्दी और दालचीनी डालकर भी सोने से पहले पी सकते हैं। देखा डाइट कितना आसान है ना, बहुत आसान डाइट है। इसे आप 10 दिन फॉलो कीजिए, जो खाना मैंने बताया है इसी फॉलो कीजिए, या इसका ऑल्टरनेट आप ले कर सकते हैं। लेकिन बेटर है, बेटर रिजल्ट के लिए, गुड रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट के लिए आप यही वाला डाइट फॉलो करके देखिए। आपको इतना अच्छा, इतना जल्दी आपको वेट लॉस होगा कि आप सोच भी नहीं सकोगे कि कैसे आपने 10 दिन में 10 किलो घटा लिए आसानी से। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आगे भी आप लोगों के साथ इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज़ मैं शेयर करती रहूँगी। फिर मिलूंगी आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।